अच्छा, अब उसमें जब ये गालियां नवाज शरीफ को दी जाने लगी तो जो देसी लिबरल्स हैं उनके दिल में नून लीग के लिए एक लाजवाल मोहब्बत जो है वो जाग गई। अब नून लीग ने इस मामले को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बहुत जिल्लत हो गई है, जहां जा रहे हैं चोर 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 के नारे लग रहे हैं, मतलब ये जो सब चीज़ों पर पानी पड़ गया ना, तो उन्होंने दामाद को मैदान में उतारा। दामाद मैदान में उतर गया। मौसूफ ने टोपी पहनी, मुमताज़ कादरी की शान में कसीदे पढ़े, मस्जिदों में गए, नारे लगाए, असेंबली में लगाए, मुसलमानों का हीरो करार दिया और अदालतों को भला बुरा कहा। अच्छा, एक और है नून लीग के बड़े प्यारे से स्पोक्समैन हैं या जो भी हैं, उनका नाम है जनाब ज़ईन कादरी साहब हैं। वो पीर खादिम हुसैन रिजवी साहब के पास गए, उनके हाथ चूमे, उन्होंने कहा हट भाई यहाँ से, चल हट, चल हट यहाँ से। और वो जानते हैं ना, वो जानते हैं ना भाई, वो जानते हैं ना, नहीं पता आपको, वो जानते हैं। ज़रा खादिम रिजवी साहब का क्लिप दिखाइएगा, खादिम रिजवी साहब, खादिम रिजवी साहब का आप क्लिप देख लीजिए, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं, वो भी आप देख लें। मैं तो आज आपके सामने बताऊंगा कैप्टन सफदर का एजेंडा क्या है। ज़रा खादिम रिजवी साहब का क्लिप दिखा दीजिए। लखा का मजमा पिछले साल असं 1 अक्तूबर नु कीता, लखा लोग सा, कोई बंदा ऐसा ऐसी उहदे प्यो नु उहदे विच छड्ड दित्ता जांदा, उन्हों कहता लखा के मजमे अपना प्यो तलाश कर, किसी गलती हो सकती है अपना प्यो तलाश कर, करोड़ा भी मजमा हो बंदा कवे अपना प्यो तलाश कर तो उन्होंने गलती हो सकती नहीं, 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 नहीं हो सकता, जो प्यो तलाश करने गलती नहीं हो सकती तो खत्मे नबुव्वत दे कानून किवें गलती हो गई। हाँ जी, ये कहड़ी मसला है जी, वो गलती हो गई, गलती नहीं हुई पुत्रो, ये साजिश है पिछे, और बंदे पे नकाब करो, उन्होंने बाहर कड्डो जड़े जिन्हों जिन्होंने अगे आला कार बनाया और उन्होंने इतनी वड्डी बदमाशी की थी, ये गलती वाली बात है? गलती तो इंज होती बंदा मुंह विच निवाला पाण लगे तो नाके च पा दे, तुसीं अज तक किसी मजमे च वेख्या कि बंदे को गलती होवे नाके च तुन दित्ती होवे रोटी? अलग ये तो गलती हो सकती भाई, नाल ही नाके हो सकता उन्हें विच निवाला पा दिता होवे, इतनी गलती नहीं हो सकती। तो खातमुन नबीयीन दे लफ्ज़ च ऐसी वड्डी तुहाडे कोल गलती हो गई, और फिर पहले दिन तो तुसी मन्ने भी कोई नहीं, नहीं जी नहीं कुछ भी नहीं हुआ, अब कहते हैं गलती हो गई, ये गलती नहीं, जान छोड़ो इस मुल्क दी, आज जिथे वड्डा नस गया निक्का भी जाए, हाँ जी उहदे यार भी जान, उहदी काबीना भी जाए, उहदे मेमरान भी जान, ए मुहम्मद अरबी दे गुलामां दा मुल्क है, हाँ जी ए खातमुन नबीयीन दा अकीदा रखण वालिआं दा मुल्क है, हाँ जी जिहदे विच गो गलती नहीं कीती। हुज़ूर ने फरमाया किसकी इबादत करती हो, जब क्या हुज़ूर ने फरमाया अच्छा याद अबो माना ना, फरमाया मैं कौन हूं, वाह गो वाह, तू क्या, उन्हें ये नहीं क्या मैं सोचती हूं, हाँ जी लैके भी काफिर आया वो रस्ते पढ़ाना थोड़ा आया, वो तो लात उसे मनने वाला सी, आपने फरमाया दस तू मैं कौन हूं, वो कहने लगा अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबीयीन, हाँ जी लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो अब ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा इनको तकलीफ दे रहा था, तो इन्होंने सदक़े या रसूल अल्लाह तंजीम बनवा दी। किसने? कैप्टन साहब ने। क्या नाम उसका रखा? सदक़े या रसूल अल्लाह। ये तंजीम तंजीम हो ही नहीं सकती, ये तंजीम हो ही नहीं सकती, क्योंकि सदक़े का मतलब ये है ख़त्म हो जाना, मूवमेंट नहीं होगी, ये मूवमेंट होगी तहरीक जिसको कहेंगे ना, ये है तहरीक, सदक़े या रसूल अल्लाह नहीं, जो सदक़े हो गया वो सदक़े हो गया, अब वो तहरीक नहीं रही, वो तो जान इसारी है, तहरीक तो होगी लब्बैक या रसूल अल्लाह। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई ये चारों तरफ से हमें सोशल मीडिया पर उलमा की तरफ से, ये पीर खादिम रिजवी, तो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली, तो हनीफ जालंदरी, तो मुफ्ती रफ़ी उस्मानी, तो तकी उस्मानी, मतलब कोई मकतब फ़िक्र ऐसा नहीं है कि जहाँ से लान तान गालियाँ न पड़ रही हों। तो उन्होंने मतलब यहाँ तक हुआ कि लोगों ने नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत कुछ कहा, हम ज़ाहिर हमें हम नहीं दिखाते, हम नहीं दिखाते ऐसी ऐसी बातें कही हैं। अब किसी ने वज़ीर कानून पर कुफर का फतवा लगा दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी, अब इन्होंने कहा भाई ये तो हम फंस गए, ये तो हम फंस गए, इलेक्शन तो करीब है, 2018 में ना भाई, 2018 में दिन ही कितने रह गए,
इलेक्शन तो करीब है और आने वाले जो महीने हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं इनके लिए। क्यों? रबीउल अव्वल आ रहा है, मुहिम तो चलेगी पूरा महीना रबीउल अव्वल का। ओहो हो, इनके लिए बड़ा ख़तरनाक है। अच्छा जी, इनके लिए, हमारे लिए तो जान है रबीउल अव्वल का महीना। रबीउल अव्वल, फिर रबीउस सानी, भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक का महीना। अच्छा, ये इनके लिए बड़ा मसला होगा। जमादीउल अव्वल, चलो चुपचाप। जमादीउस सानी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ख़त्म नबूवत के महाफिज, उनका महीना। रजब, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की पैदाइश और मेराजुन नबी का महीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना। रमज़ान, ओए होए 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 होए, क्या गलती हो गई थी। इन्होंने ये सारा एनालिसिस किया कि आने वाले सारे महीने 2018 के इंतखाबात तक मजहबी महीने हैं। मतलब ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये बहुत शायद इस वक्त कैप्टन सफदर के सनसनी दौड़ रही हो ये बातें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई अब हम कुछ इस मामले को सही करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने इसको बैलेंस करने के लिए ससुराल से 1500 रियाल महाना, इतनी मिलते हैं, इससे ज़्यादा देते ही नहीं वो, मतलब 1500 भी ज़्यादा दे रहे हैं। मैं होता, मेरा दामाद ऐसा होता, मैं 800 रियाल देता, 1500 ज़्यादा है। तो 1500 रियाल जो लेते हैं ये, उनको मैदान में उतारा। इन्होंने एक कौमी असम्बली में तकरीर दी, कादियानी मुल्क दुश्मन, ये वो। भाई तो आर्टिकल आइन में दर्ज है, मामला तय हो चुके हैं, बात तय हो गई, गैर मुस्लिम करार दे दिया, अब शोर क्यों मचा रहे हो भैया, क्या हो गया, अचानक क्या हुआ?